हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पीएचपी ट्रेनिंग बार डेवलपर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पीएचपी के अंदर एक नया फंक्शन है स्ट्रिंग का, strcchar फंक्शन के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो strcchar फंक्शन जो है वो बिल्कुल सिमिलर काम करता है strpbrk के जैसा, बट strcchar फंक्शन का फुल फॉर्म क्या है। str मीन्स स्ट्रिंग, आर मीन्स रिवर्स एंड सी एच आर मीन्स होता है कैरेक्टर। मतलब इस फंक्शन के अंदर हम किसी कैरेक्टर को सर्च करते हैं, बट कहाँ से सर्च करते हैं, रिवर्स से। तो strpbrk फंक्शन की तरह ही strcchar फंक्शन काम करता है, बट strpbrk फंक्शन लेफ्ट टू राइट सर्चिंग करता है और strcchar फंक्शन जो होता है वो राइट टू लेफ्ट सर्चिंग करेगा। आइए हम इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो हमने ओपन किया सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, इसके अंदर फोल्डर बना हुआ शानू करके, उसके अंदर हमने एक न्यू फाइल बना ली। इस फाइल को हमने सेव किया strcchar.php। स्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया str करके, उसके अंदर हमने हेलो वर्ल्ड करके हमने एक स्ट्रिंग मैसेज पास करा, बट इस स्ट्रिंग के अंदर मुझे फंक्शन कौन सा यूज करना है, strcchar। स्ट्रिंग के अंदर मीन्स str के अंदर कौन से कैरेक्टर को सर्च करना है, ओ कैरेक्टर को सर्च करना है। तो इस ओ को हम इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर सर्च करते हैं, बट इसके अंदर दो चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना कि जो इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर सर्चिंग होती है, जो सर्चिंग होगी वो राइट टू लेफ्ट होगी, बट इसके अंदर जो आउटपुट आता है वो लेफ्ट टू राइट आएगा। सर्चिंग कहाँ से होगी, राइट टू लेफ्ट, बट आउटपुट कैसा आएगा, लेफ्ट टू राइट। तो हमने इस ओ कैरेक्टर को पूरी स्ट्रिंग के अंदर हम सर्च करते हैं, बट strcchar में आर मतलब होता है रिवर्स। तो कहाँ से स्टार्ट करेगा, वो रिवर्स से, मतलब ओ को डी से सर्च करेगा, नहीं मिला, ओ को एल से सर्च करेगा, ओ को आर से सर्च करेगा, देन ओ को ओ से मैच करता है, तो कैरेक्टर यहाँ पे क्या हो गया, मैच हो गया। उसके बाद सर्चिंग क्या करेगा, वो ब्रेक कर देगा। ये तो सर्चिंग का काम हो गया, राइट टू लेफ्ट उसने सर्चिंग करी, जैसे कैरेक्टर मिला, तो कैरेक्टर मिलते से ही क्या करेगा, स्ट्रिंग को उसने ब्रेक कर दिया, मतलब आगे सर्चिंग करना बंद कर देगा। बट इसके पहले जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर आ रहे थे, मीन्स ओ आर एल डी, ये पूरी के पूरी स्ट्रिंग को रिटर्न करके देता है। मीन्स जितने भी रिमेनिंग कैरेक्टर हैं ओ आर एल डी, इसका आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे, ओ आर एल डी। एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ। strcchar फंक्शन में सर्चिंग रिवर्स से होती है और आउटपुट हमेशा लेफ्ट टू राइट आएगा। तो ओ को पर्टिकुलर सारे कैरेक्टर से मैच करेगा, जैसे ही ओ कैरेक्टर मैच हो गया तो सर्चिंग ब्रेक करेगा और ओ के पहले जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर आ रहे हैं सबको ही रिटर्न करके देता है। आइए हम इसका आउटपुट चेक करते हैं ब्राउज़र पे। तो हमने इसको यहाँ पे इको कर दिया, उसका आउटपुट क्या आना चाहिए था, ओ आर एल डी। ब्राउज़र ओपन किया, फंक्शन के अंदर गए, फोल्डर किस नाम से बना रखा है, शानू, उसके अंदर हमने strcchar रन किया, तो आउटपुट क्या आएगा इसका, ओ आर एल। तो ये था strcchar फंक्शन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रिंग के कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितने भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक पहुँच सके, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो। ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।